हाय, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं डब्लू पैटर्न, जिसको हम लोग डबल बॉटम पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। और यहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपका डब्लू पैटर्न है या फिर डबल बॉटम पैटर्न है। आप सब लोगों ने इस पर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी देख रखे होंगे और इसका इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लोग यहाँ पे लॉस कर बैठते हैं, नुकसान कर बैठते हैं। अब क्यों नुकसान होता है? नुकसान इसलिए होता है कि लोग इसके बारे में तो जानते हैं, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस नहीं करते। इसका इस्तेमाल कब करना, कहाँ पे करना, कहाँ पे नहीं करना, इन सब के ऊपर वो फोकस नहीं करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में इस पैटर्न के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊँगा ही बताऊँगा। पूरे जो यहाँ पे प्राइस एक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है, बायर्स और सेलर्स के बीच में जो गेम होता है, उस गेम को समझाऊंगा। साथ ही साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे करना, कहाँ पे नहीं करना, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ताकि इस पैटर्न के बेसिस पे जो नुकसान होता है, उस नुकसान को आप दूर कर सकें और एज ए रिजल्ट यहाँ पर आप प्रॉफिट बना सकें। तो चलिए इस पैटर्न को सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर हम चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे भी इस पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। और इस पैटर्न को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका ट्रिक भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इस पैटर्न के बेसिक को हम कवर कर लेते हैं। बेसिक क्या है ये आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जनरली लोगों को नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेलर्स हावी रहते हैं, स्टार्टिंग में प्राइस आपका ऊपर से नीचे आ रहा होता है। अब उसके बाद इस लेवल पे पहले से सपोर्ट लेवल हो सकता है, या नहीं तो इस लेवल के आसपास आते आते सेलर्स थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, यानी सेलर्स यहाँ पे आपके वीक हो जाते हैं, जो सेल करते हैं वो यहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पर भी सेल किया है, वो यहाँ से निकलने लगते हैं। और जो सेलर्स निकलेंगे कैसे निकलेंगे, वो यहाँ पे बाई करके वो एग्जिट करेंगे, और जब बाई करेंगे तो क्या होगा, प्राइस आपका अपसाइड की तरफ जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, जिसको मैं शॉर्ट में SC लिख देता हूँ। तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग कारण आपका प्राइस ऊपर जाता है, और आप सब लोग को आइडिया होगा ही कि शॉर्ट कवरिंग कारण प्राइस तो ऊपर जाता है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, एक लिमिटेड लेवल तक ऊपर जाता है, वापस से सेलर्स एंट्री करते हैं तो प्राइस नीचे आता है। तो उसी कारण से प्राइस आपका ऊपर गया लेकिन एक लिमिटेड लेवल तक गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स यहाँ पे वापस से एंट्री करना स्टार्ट कर दिए हैं, वापस से प्राइस आपका नीचे आने लग गया। अब ये लेवल क्या बन गया, अब ये जो है ये आपका एक सपोर्ट लेवल बन गया है। अब वापस से क्या हुआ, प्राइस यहाँ तक आते आते वापस से सेम स्टोरी हुआ, सेलर्स यहाँ पर कमज़ोर हो गए। अब लोगों ने देखा कि भाई इस लेवल पे आते आते पहले भी सेलर्स कमज़ोर हुए थे और यहाँ भी सेलर्स कमज़ोर हुए, मतलब इसके नीचे पूरा का पूरा किसका इलाका है, बायर्स का इलाका है, और अब इसके नीचे बायर्स प्राइस को जाने नहीं देगा। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे सेम स्टोरी चलता है, शॉर्ट कवरिंग का स्टोरी चलता है, लेकिन यहाँ पर चेंजेस क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ यहाँ पर एक और काम होता है, यहाँ पर बायर्स भी एंट्री करते हैं और ज़बरदस्त बाइंग मोमेंटम भी आता है। तो थोड़े बहुत शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ बायर्स भी एंट्री करते हैं, और एज ए रिजल्ट यहाँ पे प्राइस आपका काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है, यानी जिस रेट से प्राइस यहाँ पे ऊपर जाएगा उससे फास्ट प्राइस यहाँ पे आपका ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों काम हो रहा, शॉर्ट कवरिंग भी हो रहा और बायर्स भी एंट्री कर रहे, बाइंग भी हो रहा है। और यहाँ पर एक और पैटर्न बनाएगा आपका, यहाँ पर हायर हाई पैटर्न का भी फॉर्मेशन देखने को मिलेगा इस वाले सेक्शन में। यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस वाले सेक्शन में आपको हाईर हाई पैटर्न का ही फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जब हम चार्ट पे आएंगे तो इन सब के ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद क्या होता है, प्राइस आपका ऊपर निकलता है और ये जो लेवल था जहाँ से प्राइस आपका वापस नीचे लौटा था, ये क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है रेसिस्टेंस लेवल, जहाँ पर सेलर्स का दबदबा होता है। अब यहाँ पर इसमें इतना पॉजिटिव मोमेंटम है कि इस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, यानी ये जो रेजिस्टेंस लेवल है अब क्या बन गया, ये आपका बन गया सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट में बन गया। अब यहाँ पे आपको एंट्री कहाँ पे करना, अब आपको एंट्री इसी पॉइंट पे करना, एक आपका एंट्री पॉइंट ये भी होगा, ठीक है। उसके बाद
अब हम इस पोर्शन को अलग से डिटेल से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एंट्री करना है और यहीं पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यहीं पे मैक्सिमम लोग गलत डिसीजंस लेते हैं, गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण से उनको लॉस उठाना पड़ता है। तो चलिए इस पोर्शन को हम डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो पोर्शन के ऊपर हम बात कर रहे थे वहाँ पे आ गए। ये आपका क्या था, ये आपका सबसे पहले रेसिस्टेंस लेवल था, जो कि किस में कन्वर्ट हो गया, जो कि आपका सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब यहां से ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो इसके बाद क्या हुआ, प्राइस आपका अपसाइड की तरफ निकला है, ठीक है। तो पहला एंट्री जो होगा हमारा इस लेवल पे, आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कई बार यहां पे आपके लिए ट्रैप बिछाया जाता है, फॉल्स ब्रेकआउट रहता है, तो उसमें आप फंस सकते हैं, लेकिन यहां पे भी एंट्री लेना है। और इससे कैसे बच सकते हैं वो मैं आपको आगे पूरा डिटेल से बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता, ब्रेकआउट देखने को मिलता। अब जब प्राइस थोड़ा यहाँ से ऊपर निकल जाता है, और जिन लोगों ने पहले इस लेवल पे, इस लेवल पे या फिर इससे नीचे कहीं पे भी बाई किया है, अब जिनको मार्केट के ऊपर भरोसा नहीं है, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे मार्केट से एग्जिट करते हैं, और एग्जिट करने के साथ साथ वो प्रॉफिट बुक भी करते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे मार्केट से कौन लोग बाहर निकल रहे, कमजोर लोग बाहर निकल रहे, जिनको मार्केट के ऊपर भरोसा नहीं है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे प्राइस आपका वापस से नीचे साइड की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाता है, और ये जो सपोर्ट लेवल बना है, इस सपोर्ट लेवल को टच करता है, और उतना स्ट्रेंथ होता नहीं है कि सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दे। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्रेश बायर्स एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे जो बायर एंट्री कर रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, और जो बायर्स पहले से रुके हुए हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग मेंटेलिटी वाले यहाँ पे बायर्स एंट्री करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्राइस आपका वापस से काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है, और जो मैंने बताया था हायर हाई पैटर्न को ये कंटिन्यू करते हुए ऊपर जाता है। तो यहाँ पे एंट्री करने का आपका दो मौका मिलता है, पहली बार आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, इसके बीच में और कहीं एंट्री नहीं लेना है, दोबारा आपको वापस से इसी लेवल के आसपास मौका मिल सकता है। मैक्सिमम टाइम यहाँ पे हमें मौका मिलता, कई बार यहाँ पे हमें मौका नहीं मिलता, क्योंकि प्राइस यहीं से सीधे ऊपर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो ये काफ़ी सेफ एंट्री है। यहाँ पे एंट्री लेने का मतलब है कि आप ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंस सकते, यहाँ पे ट्रैप में फंस सकते हैं। तो दोनों लेवल का अलग अलग मेरिट डिमेरिट है। कई बार आप इस एंट्री के लिए वेट करोगे तो एंट्री आपको मिलेगा ही नहीं, कई बार आप बराबर अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। तो दोनों के बारे में आगे हम डिटेल से बात करेंगे। चलिए इस पूरे पैटर्न को जो हमने डिस्कस किया था चार्ट पे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उस पैटर्न को हम चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अब हम चार्ट पे आ गए और देख सकते हैं, ये जो चार्ट है आपका एक्सिस बैंक का चार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये आपका डेली चार्ट है। और यहाँ पे जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ करें, जीरोधा के कैट प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, और बाकी किसी भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सब में आपको सिर्फ प्राइस एक्शन देखना है, यहाँ पे ज़्यादा कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना। ये काम आप किसी भी ब्रोकर में कर सकते हैं, नहीं तो फ्री में ट्रेडिंग व्यू का चार्ट अवेलेबल रहता है, वहाँ पर भी जाके ये सारा काम आप कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आपको क्या आइडेंटिफाई करना, एक सिंपल सा पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, ये वाला। अब आपको ये नेक्स्ट आई से भी क्लियर कट दिख रहा होगा कि ये पैटर्न कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, नहीं दिख रहा, थोड़ा और आप गौर से देखिए, ये पैटर्न आपको क्लियर कट दिख जाएगा। बस आपको यही एक्सरसाइज करना है, एक यही काम थोड़ा सा मेहनत का होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न क्लियर कट आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ डेली चार्ट से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डेली चार्ट में जो पैटर्न बनता है इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा अवर्ली चार्ट या फिर 30 मिनट चार्ट, उसमें अगर इस टाइप का पैटर्न बनता है तो उस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे फॉल्स इंडिकेशंस आने लगते हैं। इसलिए हम यहाँ पे डेली चार्ट के बेसिस पे यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, चाहे इसके बेसिस पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर लो, या फिर ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर लो, या फिर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर लो, मंथली वाला जो भी ट्रेडिंग करना है वो डेली चार्ट को ही ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न कहाँ पे बना है, क्लियर कट देख सकते हैं, आप लोगों ने अंदाज़ा लगा भी लिया होगा। यहाँ पे कंप्लीट आपका डब्ल्यू पैटर्न है या नहीं है, जिन लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया होगा वो वापस से एक बार देख लीजिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आपको नेक्स्ट आई से ये क्लियर कट आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हमें क्या क्या देखना, सबसे पहले सेम स्टोरी यहाँ पे रिपीट करते हैं, क्या हो रहा, प्राइस आपका ऊपर से नीचे साइड की तरफ गिर रहा, मतलब सेलर्स हावी हैं। अब यहाँ पे आने के बाद इस पर्टिकुलर सिचुएशन देखें, यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स कमज़ोर हुए, लेकिन यहाँ पे सेलर्स कमज़ोर नहीं हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन वॉल्यूम आपका काफ़ी हद तक डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, डैट मीन्स टू सेलर्स में उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रहा है।
यहां पे बायर्स एंट्री की है, प्राइस आपका ऊपर गया है और ये क्या हुआ, ये आपका शॉर्ट कवरिंग हुआ है। फिर प्राइस आपका नीचे गया और इसी के करीब जहां पे सपोर्ट लेवल था उससे थोड़ा सा ऊपर ही ये क्या किया है, आपका डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया है। पहला बॉटम यहां पे, दूसरा बॉटम यहां पे, इसलिए इस पैटर्न का नाम भी है डबल बॉटम पैटर्न या फिर डबल पैटर्न, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर बताया था, हमेशा वो परफेक्ट शेप नहीं बनेगा। अगर हम इस डब्लू पैटर्न की बात करें तो हमेशा आपको सेम बॉटम नहीं मिलेगा, कभी कभी बॉटम आपको थोड़ा नीचे, कभी कभी थोड़ा ऊपर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पहला बॉटम यहाँ पे, दूसरा बॉटम इससे थोड़ा सा ऊपर है। आपको कई बार एग्जैक्ट में मिलेगा लेकिन कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा, तो उन सबको भी आपको कंसिडर करना है। तो अब यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद वापस से बायर्स एंट्री किए और बायर्स को लग गया है कि प्राइस अब इससे नीचे जाने वाला नहीं है और यहाँ पे वापस से प्राइस आपका अपसाइड की तरफ निकला। अब यहाँ पे हमें एंट्री कब लेना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नेक लाइन है। जब प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि पहला एंट्री हमारा इसी लेवल पर होगा और हमारा एस एल कहाँ पर होगा, इस पैटर्न का जो भी लोएस्ट पॉइंट है ये हमारा एस एल के रूप में काम करेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको बिग जरूर लग रहा होगा लेकिन यही आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस होगा। आप चाहो तो जो कैंडल ब्रेकआउट दिया उससे प्रीवियस कैंडल का जो भी लोएस्ट पॉइंट है ये भी एस एल के रूप में रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये एस एल बहुत ज़्यादा हाई रिस्की एस एल हो जाएगा, हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसलिए इस पैटर्न के बेसिस पे जो एस एल बनता है लोएस्ट पॉइंट पे ही एस एल बनता है और टारगेट प्राइस भी उसी रेशियो से हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टारगेट प्राइस की बात करें तो जिस लेवल से ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ था ये फर्स्ट टारगेट प्राइस बनेगा और उसके बाद इससे ऊपर बात करें तो ये हमारा दूसरा टारगेट प्राइस बनेगा। तो जिस तरीके से स्टॉप लॉस बिग होता है टारगेट प्राइस भी यहाँ पे हमें बिग देखने को मिलता है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है। वापस मैं पैटर्न ड्रॉ करता हूँ, जो स्टोरी बताया था उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा नेक लेवल बन गया और यहीं पर हमने पूरा डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये आपका पहले रेजिस्टेंस लेवल था, इसके बाद ये क्या बन गया, ये आपका सपोर्ट लेवल बन गया और यहाँ से प्राइस आपका अपसाइड की तरफ निकला है। पहला एंट्री यहाँ पे होगा और मैंने क्या बताया था, इसके बाद जो कमज़ोर लोग होते हैं वो यहाँ पे निकलेंगे। देखिए जैसे ही प्राइस थोड़ा ऊपर गया कमज़ोर लोग निकलना स्टार्ट किए, उसके कारण से वापस से प्राइस ये जो नेक लाइन है इसके करीब टच किया है। अब जो मैंने आपको एस एल बोला था कि अगर आप यहाँ पर एस एल रखेंगे तो आपको क्या होगा, एस एल यहाँ पर आपका हिट कर देगा। इसलिए बोला है कि प्रॉपर एस एल जो इसका लोएस्ट पॉइंट होता है ये हमारा एस एल के रूप में काम करता है। इसके बाद अगर आपने इस लेवल या इस लेवल पे कहीं पे भी एंट्री नहीं लिया या फिर यहाँ पे आपने एंट्री नहीं लिया, अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, आपने देर से आइडेंटिफाई किया, तो दूसरा मौका यहाँ पे मिला, यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस आपका ज़बरदस्त अपसाइड की तरफ निकला है, यानी यहाँ पर हम जो एंट्री ले रहे हैं लगभग आपका 720 के लेवल पर हमारा बाई साइड की तरफ एंट्री होगा और एस एल की बात करें तो एस एल मेरा होगा लगभग 650 का, यानी लगभग यहाँ पर जो स्टॉप लॉस बन रहा है 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, इन लगभग 10% का तो हमारा यहाँ पे एस एल ही बन रहा है और टारगेट प्राइस भी लगभग आपका उसी रेशियो में बनेगा। अब यहाँ पे देखिए टारगेट प्राइस हमारा क्या है, प्राइस आपका 800 के लेवल तक गया है, यानी यहाँ पे आपका 80 पॉइंट का हमारा अल्टीमेट टारगेट प्राइस है। तो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो यहाँ पे 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्टॉप लॉस आपको बहुत कम बार हिट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन है जो हमने देखा है यहाँ पे पूरा का पूरा बायर्स मार्केट को कंट्रोल करते हैं, उसके बाद प्राइस का नीचे आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हमें लगभग 10% का रिटर्न आसानी से इस डब्लू पैटर्न या फिर डबल बॉटम पैटर्न के बेसिस पे मिलता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे अब हम और एग्जांपल देखते हैं और यहाँ पे हम आ रहे हैं अब दूसरे चार्ट पे, ये आपका बजाज इलेक्ट्रिकल का डेली चार्ट। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डेली चार्ट इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हमें क्या आइडेंटिफाई करना, डब्लू पैटर्न आइडेंटिफाई करना। अब इसमें तो आप लोग आसानी से डब्लू पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये आपके आँख के सामने है और आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। थोड़ा और ध्यान से देखो आप इजिली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लोगे। जो लोग आइडेंटिफाई नहीं किए होंगे उनके लिए मैं बता देता हूँ, देखिए ये आपका सेम डब्लू पैटर्न है और यहाँ पर भी सेम आपका एक्सप्लेनेशन होगा और यहाँ पर जो बॉटम है वो लगभग आपका सेम बॉटम का फॉर्मेशन किया है। अब यहाँ पर हमारा नेक लाइन क्या है, ये हमारा यहाँ पे नेक लाइन बन गया, इसके ऊपर जाते हैं हम यहाँ पे बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे देखिए
लास्ट एग्जांपल हमने क्या देखा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस आपका वापस से नीचे आया था, इस नेक लाइन को दोबारा टच किया था, लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इस नेक लाइन को ये दोबारा टच नहीं किया, प्राइस ये आपका यहीं से ऊपर निकल गया है। मतलब यहाँ पे एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की जरूर है, लेकिन कई बार अगर आप दोबारा इस लेवल पे आने का वेट करेंगे तो कई बार अपॉर्चुनिटी मिस भी हो सकता है। यही चीज़ मैं आपको जब हम पीपीटी पे थे तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो क्या हो जाता है, हम जो एंट्री ले रहे हैं लगभग आपका 1000 के करीब एंट्री ले रहे हैं और यहाँ से प्राइस आपका ऑल द वे 1200 के करीब गया है, यानी यहाँ पे हमें 200 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिलता हुआ दिखा। और 200 पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे हमें लगभग 20% का प्रॉफिट आसानी से मिला है। और जब प्राइस आपका अपसाइड की तरफ जाता है, यानी एक और चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको एक और काम करना है, स्टॉप लॉस लंबा हो रहा है तो यहाँ पे आप ट्रेलिंग एसएल यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब मार्केट आपके फेवर में 2% या फिर 3% भी चला गया तो आपको क्या करना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस से ऊपर रखना, जिस भी प्राइस पे बाई किया उससे ऊपर आपका क्या आ जाना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए। यानी अगर मार्केट आपके फेवर में 2 या 3% मूव दिखा दिया तो उसके बाद आपको एनी हाउ लॉस नहीं होना चाहिए। और यही सब होता है लॉस मैनेजमेंट, लॉस मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पे सीखना आना पड़ेगा और उसके ऊपर भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए अपना लॉस मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पे हम आ गए हैं किसके चार्ट पे, ब्रिटानिया के डेली चार्ट पे। अब यहाँ पे भी आप काफ़ी हद तक डब्लू पैटर्न को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि आपके आंखों के सामने है, और इसको आइडेंटिफाई करना ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है। थोड़ा सा अगर आप चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका डब्लू पैटर्न है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, नेक लाइन है, प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर निकला है लेकिन उसके बाद ऊपर नहीं गया, प्राइस आपका एक रेंज के बीच में ही रह गया है। तो इसके बाद प्राइस आपका ऊपर क्यों नहीं गया है, और हमें यहाँ पे पहले से पता था कि इस पैटर्न के बाद प्राइस आपका ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए हम इस पैटर्न के बेसिस पे बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट नहीं करेंगे। तो हमें इस पैटर्न के बारे में कैसे पता लगा कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप डब्लू पैटर्न के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डब्लू पैटर्न के बेसिस पे हमें ट्रेड लेना, कौन सा डब्लू पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना। यानी कहने का मतलब है कि आपका वीक डब्लू पैटर्न यानी कमजोर डब्लू पैटर्न है। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आप वीक डब्लू पैटर्न और स्ट्रांग डब्लू पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वो आप मिस ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।